धोनी ने अपने जिन पार्टनर्स पर 15 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगाया था, उन्हीं पार्टनर्स ने अब धोनी पर मानहानि का केस चला दिया है। आखिर क्या हुआ है धोनी के साथ, चलिए जानते हैं। गाइस ये बात है साल 2017 की, जब मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने एमएस धोनी को ये बताया था कि वो देश विदेशों में धोनी के नाम से क्रिकेट अकेडमी खोलने वाले हैं और अग्रीमेंट के मुताबिक इसके बदले में धोनी को फुल फ्रेंचाइजी फीस दी जाएगी और साथ में दिया जाएगा मुनाफा, वो भी 70-30 के रेशो में। कुछ दिनों बाद 8 से 10 लोकेशन पर धोनी के नाम से क्रिकेट अकेडमी खुल भी गई, लेकिन इसका एक भी रुपया धोनी को नहीं मिला, जिसके बाद धोनी ने 15 करोड़ रुपए के फ्रॉड का लीगल नोटिस भी भेजा, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया और अंत में धोनी ने रांची के कोर्ट में इसका केस भी दर्ज करवा दिया। पर कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि जिन लोगों ने क्रिकेट अकेडमी खोली थी उन्होंने ही अब धोनी पर मानहानि का केस कर दिया है, क्योंकि धोनी उन्हें फ्रॉड बता रहे हैं। अब इस केस की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी, अब ये देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है।